तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को एक महीने का दिया वक्त, कहा अपराध नियंत्रण नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के समक्ष परेड करेंगे महागठबंधन के विधायक। पेश सिंह हत्याकांड हो या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है। आरजेडी में श्याम रजक को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश उपाध्यक्ष से बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव। 21 जनवरी को तेजस्वी ने बुलाई अहम बैठक, बैठक में धन्यवाद यात्रा के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला की तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा, सभी नेताओं को भेजा निमंत्रण। रांची में बीजेपी विधायक केदार हाजरा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का किया आयोजन, कोरोना काल में सरकार के कार्यों पर उठाया सवाल। जो मिनरल से पैसा आता उस पैसे को भी कोविड-19 में ही खर्च करना था, लेकिन उस पैसे को भी इन्होंने दुरुपयोग किया, उस पैसे का भी इन्होंने कोविड में व्यवस्थित नहीं कर पाया। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में पीने के पानी को लेकर तरस रहे हैं ग्रामीण, वर्षों पहले जल मीनार के निर्माण के बाद भी नहीं शुरू हो सकी पानी की आपूर्ति। लातेहार जिले के महुआ डाड प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वीडियो टूडू दिलीप ने की बैठक, बैठक में लंबित आवासों को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। रोहतास में सेना की जमीन को मुक्त कराने के लिए अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस और आर्मी के जवान रहे तैनात। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों को निर्देश दिया कि अपने स्तर से मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्लॉयमेंट करके इसको इंक्रोचमेंट रिमूवल का कार्य करा दें और उनको हम लोग हैंड ओवर कर दें कि आपका सब रिमूव हो गया। ठंड के प्रकोप को देखते हुए बाढ़ में प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था, लोगों ने जताई खुशी। पावापुरी में पागल कुत्तों ने मचाया आतंक, मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर छात्र समेत इलाके के 150 लोगों को काट कर किया जख्मी, मेडिकल कॉलेज के कर्मियों में है खौफ। बहुत सारे पागल कुत्ते ने यहाँ पर आतंक मचाए रखे, बहुत लोग को सुबह सुबह ही काट लिए। हमारे यहाँ जो विभाग अध्यक्ष मेडिसिन विभाग के हैं रजक साहब, उनको तो 5:30 बजे मॉर्निंग में ही उनको काट लिया। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में पालतू नर हाथी काल भैरव को जंगली हाथियों ने उतारा मौत के घाट, 2 साल पहले कर्नाटक से पलामू लाया गया था काल भैरव, घटना की जांच में जुटी वन विभाग की टीम। मसौढ़ी में एक बार फिर चोरों ने पुलिस को दी चुनौती, दिन दहाड़े चोरों ने फास्ट फूड की दुकान से कैश लेकर हुए फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में मिट्टी धंस जाने के कारण एक मजदूर की हुई मौत, नलकूप की खुदाई के दौरान हुआ हादसा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4th टेस्ट मैच में दी करारी शिकस्त, 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा, टेस्ट इतिहास में आने वाले कई सालों तक किया जाएगा याद, गाबा में खेला गया था मैच।